पार्लीमेंट के सरद रुत इजलास का दूजा दिन सीगा ते दूजे दिन जिहड़ा हैगा विरोधी धिरां दा प्रदर्शन होया एक मसले ते यह मसला सीगा राज सभा चो 12 मैंबर पार्लीमेंटा की बर्खास्तगी का मसला इस नूं लैके जिहड़ा हैगा विरोधी धिरां ने सरकार नूं पार्लीमेंट के अंदर भी कह रहा पार्लीमेंट के बाहर भी कह रहा पर अंदर जिहड़ा राज सभा दे विच हंगामा होया सीगा उस दौरान राज सभा दे चेयरपर्सन राज सभा दे चेयरमैन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जिहड़ा हैगा मैंबरां दे व्यवहार ते सवाल खड़े किए उत्थे विरोधी धिरां जिहड़ा हैगा ये उपराष्ट्रपति फैसले जिहड़ा हैगा सवाल चुकते हुए कहा कि जिस तरीके 12 मैंबरों नूं पूरे सैशन लिए बर्खास्त किया गया मसला की हैगा तुहानूं ये दस दिंदे पिछला इजलास जदों होया सीगा मानसून इजलास जिहड़ा सीगा उस दे विच सरकार ने जिहड़ा हैगा कुछ बिल जिहड़े पेश किए जिहड़े बिलों का विरोध हो रहा सीगा कानून का विरोध हो रहा सीगा और उस दौरान हंगामा होया सीगा विरोधी धिर ने जम के हंगामा किया सीगा और उस हंगामे की कार्रवाई के जिहड़े जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट शामिल सीगे उन्हां चों 12 मैंबर पार्लीमेंटा नूं इस इजलास के लिए पूरे इजलास के लिए जिहड़ा हैगा बर्खास्त कर दिता गया कई सारे क्लोजिज का जिहड़ा हैगा उदाहरण दिंदिया ये फैसला जिहड़ा हैगा सरकार वल्लों कीता गया सीगा इस ते विरोधी धिरां ने अज महात्मा गांधी के बुत दे अगे जिहड़ा हैगा प्रोटेस्ट किया विरोधी धिरां का कहना सीगा कि जदों एक सैशन कंप्लीट हो गया जदों एक इजलास मुकम्मल हो गया तो उस इजलास के भी जो कुछ भी होया उस दे लई किसे मैंबर पार्लीमेंट नूं एज़ पर लॉ सज़ा नहीं दिती जा सकती अगले इजलास के विच अजिहा कदे भी नहीं हुंदा जबकि चेयरमैन का यह कहना सीगा कि चेयरमैन के कोले राइट्स ने चेयरमैन के कोले हक हकूक ने कि वह फैसला कर सकते ने वह फैसला लै सकते हैं अजिहे मामले दे विच ते जदों लास्ट दिन हंगामा होया सीगा उस तो बाद क्योंकि हुण सदन जिहड़ा हैगा हुण हाउस जिहड़ा हैगा मुड़ कंटिन्यू होया और राज्यसभा जिहड़ा हैगा एक ओपन हाउस है जिहड़ा लगातार जारी रहिंदा इस करके उन्होंने अजे फैसला ले लिया इस ते पहलां विरोधी धिरां ने बाहर प्रदर्शन किया उस तो बाद जिहड़ा हैगा विरोधी धिरां ने बकायदा मीटिंग भी की ते तय किया कि कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट ने खास करके तय किया कि असी इकट्ठे होकर जिहड़ा हैगा इसका विरोध करांगे सरकार जिस तरीके अगे वध रही है वह तानाशाही वाल जिहड़ा हैगा अगे जा रही सो पार्लीमेंट में हर पासे जिहड़ा हैगा हंगामा होया अंदर भी बाहर भी हंगामा होया तो इस हंगामे तो बाद जिहड़ा हैगा जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट ने उन्होंने मीडिया सामने अपनी गल रखी विरोधी धिर ने जिथे अपने आप को जिहड़ा हैगा सही करार दिता ते नाल ही कहा कि वह माफ़ी नहीं मंगणगे उत्थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने जिहड़ा राज्यसभा दे विच कहा सीगा चेयरमैन राज्यसभा दे वजों उन्होंने जो कहा सीगा उस रूप दे विच जो कहा सीगा वह भी सामने आया ते नाल ही जिहड़ा हैगा बर्खास्त की गई मैंबर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार जिहड़ी हैगी है बहस तो डर रही है इस करके अजिहे फैसले लै रही है जबकि RJD दे मनोज झा ने सवाल खड़े किए कि सरकार कई कानून अजिहे पास करना चाहती है जिस दे विचों चाहती है कि वह एक सुर विच पास कर दिते जाण ते इसे करके उसने 12 मैंबर पार्लीमेंट नूं बर्खास्त कर दिता है ताजो विरोध जिहड़ा हैगा वह ना होवे की कुछ कहे आगुआ ने यह सुनदे सदस्यों को सस्पेंड करना ये गैर कानूनी है और रूल्स के खिलाफ है। रूल 256 ये कहता है कि मेंबर्स जो भी अगर इनडिसिप्लिन बिहेवियर करते हैं तो उनको नेम करना चाहिए उसी वक्त जिस वक्त ये गड़बड़ होता है, लेकिन 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद अगर फिर से उसको सदन में लाके उनको सस्पेंड करना ये एब्सोल्युटली बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए हम कंडम करते हैं और फिर से हम निवेदन करते हैं चेयरमैन से कि उन्होंने जो ऑर्डर पास किए है 12 लोगों के बारे में वो वापिस ले और सदन अच्छा चलाए और ये जो अनडेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है और डेमोक्रेसी को खत्म करने की और हमारी आजादी को खत्म करने की एक साजिश जो चल रही है, जो रूल्स हम सभी ने बनाया है उसी रूल्स को आज सरकार कुचल रही है। राज्यसभा इज ए कंटिन्यूइंग इंस्टीट्यूशन एंड द चेयरमैन ऑफ द हाउस ऑफ राज्यसभा इज एम्पावर्ड 256, 259, 266, even other residuary powers also, chairman can take action and also the house can take action. What happened yesterday is not chairman taking action. It is the house after a resolution moved that has taken action. And also, hear me, even about these members, 2 and 10th August, you try to mislead the house, you disturb the house,
you ransacked the table and you also threw the papers on the chair, and also you have got, some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. It was, the motion was moved, it was approved, action is taken, it is final. If the members who have committed this sacrilege against the house, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. देखिए, आप जानते हैं कि आजकल एक लफ्ज आया है बाजार में, वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कब हुआ आप सबको पता है, पिछले सदन में जो हुआ, आज की तारीख में जब नए सत्र शुरू हुए हैं, इस समय क्या पिछले सदन की अगर कोई भी शिकायत रहे, कोई भी गैर कानूनी काम रहे, कोई भी रूल के मुताबिक नहीं काम हुए, तो उसके लिए क्या सजा इस सदन में किसी को भुगतने को देखे हैं हम लोग? लेकिन यहाँ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चल रहे हैं। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये नया, ये आज की सरकार की ये एक नया तरीका है हम सबको डराने की, धमकाने की, और हमारी बात रखने का जो अवसर मिलते हैं उसको छीनने की, ये एक नया तरीका अपनाते हैं आज की सरकार। डिसीजन बड़ा है, सोच छोटी है, ये साबित हो गया है इस सरकार से, जहां पे प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के खिलाफ जो काम हुआ है सस्पेंशन का, वो दिखाता है कि ये वो डरी हुई सरकार है जो जवाबदेही से भागती है। ये वो सरकार है जिसको आज किसानों ने मजबूर कर दिया कि जो अहंकार से भरे ये कानून पास हो रहे थे उनको वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये वो मजबूर सरकार है जिनको जवाबदेही से भागने की आदत पड़ चुकी है, और सस्पेंशन उसी का एक हिस्सा है। देखिए, अभूतपूर्व चीजें हो रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्वालिटी डिबेट चाहिए, तोमर साहब कहते हैं डिबेट टेंजिबल रिजल्ट नहीं देगा, एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्री महोदय हैं वो कहते हैं अननेसेसरी डिबेट से क्या रखा। तो आप जो नई इमारत बना रहे हैं ना संसद की, इसका मतलब है कि पुरानी में आप लोकतंत्र को म्यूजियमाइज करेंगे, संग्रहालय की विषय वस्तु हो जाएगी। 256 के जिस हवाले से निलंबन हुआ है उसकी रीडिंग गलत है, उसका इंटरप्रिटेशन गलत है, उसका क्लॉज 2 पढ़ के देखा जाए। सत्र मानसून का मामला था, उस दिन क्यों नहीं निर्णय हुआ, और आप उसको एक्सटेंड करके अब कर रहे हैं, नंबर गेम में खेल रहे हैं क्या? क्योंकि बैंक का बिल ला रहे हैं आप प्राइवेटाइजेशन का, ये 12 का आंकड़ा आपने सोचा ऐसे मैनेज कर लिया जाए। तो लोकतंत्र के लिए उनकी रवायतों को मृत प्राय बना देने की आपकी ये सारी कोशिशें जनता भी देख रही है। कल सबने देखा कि MSP पे लोग ना बोले, किसानों की शहादत पे ना बोले, आपने डिबेट नहीं होने दी। तो मैं समझता हूं कि आईना सामने रख करके सत्ता प्रतिष्ठान को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि आजादी का अमृत महोत्सव किस बात का मना रहे हैं।